तो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का। तो भाई, जिन मच्छरों ने हमारा दिमाग ख़राब करके रख दिया, तो इन मच्छरों को मैं घर से बाहर भगाने वाला हूँ। कुछ घरेलू जुगाड़ है, इन जुगाड़ों की मदद से मैं इन मच्छरों को घर से बाहर निकालने वाला हूँ। तो वो लोग के साथ बने रहेगा इस तो गाइज, इन मच्छरों को भगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, आपके पास कोई भी पुराना तवा होता है रोटी पकाने का पुराना, तो उस तवे की आपको ज़रूरत पड़ेगी गाइज। और गाइज, हमें नीम के पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के अंदर ही एक नीम का पेड़ है, तो उसी से मैं तोड़ लूँगा। देख सकते हो, इस टाइप का एक नीम, इस टाइप के नीम के पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इस टाइप के नीम के पत्ते आपके घर के आसपास कहीं भी जगह पे होगी, तो वहाँ से आप तोड़ के जाके लेके आ जाओ। तो ये बहुत गिल्ले हो चुके हैं, इसको थोड़ा सूखने के बाद हम तोड़ेंगे इसको। अभी अभी बारिश हुई है, इसके लिए मैंने थोड़ा वेट किया, घर के अंदर ही बैठा था तो बारिश हो रही थी, थोड़ा इसके सूखने का इंतज़ार करते तब इसको तोड़ेंगे। तो गाइस, आग लगाने के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि देख रहे हो, इसको तवे पर रख देना है। और कुछ ये मेन कपड़े आग जलाने में थोड़ी मदद करेंगे, इससे इससे जल्दी आग लग जाती है। आग लगाने के लिए एक माचिस की डब्बी चाहिए, वो तो आपके पास होगी होगी। तो गाइज़, हम कैमरा यहाँ पे सेट कर देते और आग लगाने की कोशिश करते। ये कागज़ इसलिए क्योंकि आग लगाने में कोई मेन कपड़ा नहीं चलेगा, तो कागज़ लगाने की कोशिश करूँगा। तो हमें आप इस माचिस ले लेने पहले, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मेहनत लगती है आग लगाने को, अभी इतनी आसानी से नहीं लगता। देख के ट्राई करते। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. लग जाने के बाद हम घर के अंदर ही धू धू कर देंगे हर मच्छर को। आज भगाना ही हमें, तो ये पानी क्या आग आने लगा है, तो जल्दी से हमें काम निपटा देना है आग लगाने का। और घर के अंदर गए, पत्ते भी तोड़ लेता हूँ मैं नीम का। तो फाइनली गाइज, मैं नीम के पत्ते तोड़ दिया हूँ, तो हम घर के अंदर जाके इसको रख देता हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो अब फिर से गिल्ले हो जाएंगे ये पत्ते। तो इसको पहले, ये लग जाने के बाद उड़ा देंगे, तो ये मैं घर के अंदर जाके रख देता हूँ। तो गाइस, बारिश होने लगी, चलो गाइस इसको अंदर लेके जाते हैं, चलो देखते हैं। तो गाइस, इसको घर के अंदर लेके आ गए, थोड़े इसको सेट कर देता हूँ कहीं पे कैमेरा, और लाइट चालू कर देता है, फिर रख देते हैं गाइस, क्योंकि अब बहुत दिक्कत दे रहा है यार, किधर रुकू। कुछ पत्ते लेके आता हूँ, कुछ लकड़ियाँ लेके आता हूँ इसको थोड़ा लगाने के लिए, क्योंकि आग लग नहीं रही उतनी अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा आग लगाना पड़ता है तब जाके गाइस वो पत्ता इस पर डालने के बाद धूप होता है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा आग लगाना पड़ेगा। तो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ इसके लिए। A few moments later. Thank you.
तो गाइस हमें भेवरा होने देना है, तो ये भेवरा हो चुका है। जैसे कि इस टाइप के हम भेवरा बोलते हैं कोयले के, आपको हम भेवरा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ भेवरा ही बोलते हैं इसको। तो आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। तो गाइस हमें इसको इसके थोड़े ऐसे करना है, ये थोड़े गिल्ले हो चुके हैं, तो हमें इसको ऐसे ये करना है और इसमें डाल देना है गाइस। बहुत ही सिंपल है गाइस, एक बार घरेलू ट्राई करके देख लेना, सारे मच्छर भाग जाएंगे, मुझे पता नहीं, आप देखें बोलते ऐसे बोल। चलो गाइस डालते हैं अब इसको, इसको ऐसे Five minutes later. तो गाइस देख सकते हो पूरा रूम धू धू हो चुका है और कुछ धुआं बाकी है गाइस। तो थोड़ी देर करता हूँ मैं धुआं, मच्छर को भगाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो गाइस बहुत धुआं हो चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे बाहर जाना चाहिए। तो गाइस मैं बाहर आ गया हूँ, बहुत देर से अंदर ही था, तो आंखों में मेरे धू जा रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया, आंखें खराब हो जाएंगी मेरी इसके लिए, तो मैं बाहर आ गया। A few moments later. तो चलो गाइस अंदर जाके देखते कितना धू हो चुका है। स्किन प्रॉब्लम्स अलग अलग, गाइस बहुत ही ज्यादा धू हो चुका है यार, यहाँ पे आग भी लग चुकी है, तो यहाँ इसको बुझाते हैं, हम बुझाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, बहुत ही ज्यादा धुआं हो चुका है गाइस यार। बहुत ज्यादा यार गाइस यहाँ पे धूप, तो बाहर ही जाना अच्छा है। अब इसको हम बुझा देते हैं दूसरे और कमरे में इसको रख देते हैं। तो गाइस कल मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा इस एक्सपेरिमेंट का, कुछ फायदा हुआ कि नहीं, तो गाइस कल मिलते हैं। तो फाइनली गाइस आज का रिजल्ट आ चुका है, रोज रात को बहुत सारे मच्छर काटते थे पर अब नहीं काटते। तो गाइस बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप भी घरेलू जुगाड़ी कर सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, टेक केयर, बाय बाय।